हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 15 दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फूड रिसोर्सेज मीन्स दी रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट फूड। जिन रिसोर्सेज से फूड को लेते हैं वो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, और सबसे कॉमन फूड रिसोर्स हमारे प्लांट्स हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए प्लांट्स पे बेस्ड हैं। हम अपनी एनर्जी प्लांट्स से सबसे ज़्यादा लेते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं अर्थ पर। सबसे ज़्यादा प्लांट्स को हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ हैं अदर एनिमल्स जिनको हम एनर्जी के लिए या फूड के लिए यूज करते हैं। सो इनकी इम्प्रूवमेंट करना है, यही हमारे चैप्टर की थीम है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, सबको फूड चाहिए, क्योंकि फूड से हमें मिलता है बॉडी को बनाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हैं हमारे फूड के कंपोनेंट, फूड के अंदर मिलने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये हमें मिलेंगी तो हमारी बॉडी की होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसलिए हम सबको फूड रिक्वायरमेंट है, और फूड से हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो इसलिए अर्थ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड मिले, इसलिए इम्प्रूवमेंट करनी है। जहाँ से हमें फूड मिला, एग्रीकल्चर से मिला, एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट करनी है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स लाइफ स्टॉक को यूज करना फूड के लिए, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हम जिन जीवों को पालते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। सो इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट को बेसिकली पढ़ेंगे। सो इसमें जो आपका इंट्रो दिया गया है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें फूड भी देना है, तो हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें इस इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक फूड प्रोवाइड करने के लिए अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा लैंड पे खेती करनी पड़ेगी। लेकिन हम तो पहले ही इतने ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया काट के बहुत ज़्यादा लैंड को कवर कर चुके हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन उस तो लैंड एरिया को बढ़ाने से हम केवल फूड प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेंगी कि हमें एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे हम कम एरिया पे ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोडक्शन कर सकें। तो इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें पढ़नी हैं कि लैंड तो एक लिमिटेड हो सकती है, पॉपुलेशन साइज ही बढ़ रहा है, रहने के लिए भी लोगों को चाहिए जगह, और हम खेती करने के लिए भी जगह चाहिए। तो एक सीमित उसमें हम किस तरीके से फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इन्हीं फूड रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए दो रिवॉल्यूशन भी हुए हैं। एक हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज द वाइट रिवॉल्यूशन। ये आपका 1-1 mark क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये एग्रीकल्चर में या खेती में बढ़ावा देने के लिए, या मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिकली आपके सीरियल्स की ज़्यादा प्रोडक्शन, जो आपके अनाज हैं, अनाज ज़्यादा उगाना, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है। और वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है वाइट मिल्क प्रोडक्शन करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन को ज़्यादा करना। व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन? टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। ये दोनों रिवॉल्यूशन आए हैं, दोनों रिवॉल्यूशन आए हमारे लिए अच्छे हैं, इन दोनों से हमें फूड रिसोर्सेज ज़्यादा मिले। लेकिन हमें दूसरे पॉइंट को नहीं भूलना चाहिए कि जब फूड रिसोर्सेज यहाँ से बढ़े हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर हमारी जो नेचुरल सिस्टम है, हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है, उस पर भी पड़ा होगा। हम जब बहुत बड़े एरिया पे खेती करना शुरू करेंगे और फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर रहे हैं, या अपने नेचुरल रिसोर्स प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो हमने ऐसा कोई तरीका निकालना है कि हम प्रोडक्शन भी करें, लेकिन हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी पे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनको कोई हार्म ना हो। तो हमें फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर का थीम ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन भी करें, एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा दें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को बिना नुकसान किए। ये हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है। सो क्वेश्चन जो आता है लास्ट में हमारा, ये पूरा इंट्रो का जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन यही आता है कि कैसे हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम लाइव स्टॉक को
जो हमारा पशुपालन है उसको एज उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें इम्प्रूव करना है दोनों चीज़ों को बिना अपनी नेचर को हार्म किए, नेचर को हार्म किए बिना दोनों चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। क्रॉप यील्ड की पहले बात करेंगे। क्रॉप यील्ड्स में सबसे पहला आपका वन मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स जो भी आपकी अनाज वाली चीज़ें हैं, सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोगम, ये सारे के सारे आपके सीरियल्स में आते हैं। सीरियल्स आर दी ग्रेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जो हमें ग्रेन देती हैं जो भी क्रॉप्स, वो सीरियल्स हैं। इसमें नाम है इनके आपके, ये हमें इन सब के आपको सीरियल की डेफिनेशन याद करनी है और क्या है इनमें। ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं और इन सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा फास्ट एनर्जी देने में इन्वॉल्व होता है। आगे पल्सेज, पल्सेज मीन्स दाल, दाल जो हैं जैसे कि ग्राम चना है, पी है, ब्लैक ग्राम है, ये आपके सारे पीजन पी है, अरहर, लेंटिल है, मसूर, ये सभी हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन। ये आपके वन वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेज से हमें प्रोटीन मिलती है एंड ऑयल सीड्स, जो हमारी कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिनसे हमें तेल मिलता है, जैसे कि सोयाबीन है, ग्राउंड नट है आपका, जो आपकी मूंगफली है, सीसेम है, तिल है, कैस्टर ऑयल है आपका, मस्टर्ड, लिनसीड, अलसी जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर, ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनसे हमें फैट भी मिलता है। और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स नहीं कह सकते, जैसे हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, स्पाइसेस मीन्स मसालों वाली कुछ पौधे होते हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमें विटामिंस और मिनरल्स देते हैं। तो इनके अलावा जो और भी क्रॉप्स हैं जिनसे हमें फोडर मिलता है, मीन्स चारा मिलता है, जैसे बरसीम है, ओट्स हैं, सूडान ग्रास हैं, ये हमारे घास वाले पौधे हैं जो हम पशुओं को डालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बस एक इंट्रो इस तरीके से दिया गया, या आप कह सकते हैं आपको वन वन मार्क क्वेश्चन समझाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर कि सीरियल्स क्या हैं, जो भी आपकी ग्रेन क्रॉप्स हैं, जो दानों वाली क्रॉप, जो भी जिनसे दाने मिलते हैं वो वाली फसलें, और पल्सेज दाल जिनसे प्रोटीन मिलती है, और कुछ आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ इस पेज पे आपकी कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं जिसमें आपकी कुछ आपकी ये सीरियल्स हैं, कुछ आपके ये दाल, ये जो आपकी उसके दिखा रखे पल्सेज दिखाई गई हैं, कुछ आपके ऑयल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये आपकी राइस दिखाई गई है, ये आपके ये भी पल्सेज जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है वो वाले प्लांट्स हैं। सो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स दिखाई गई हैं। सो आगे आपका जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंटरनल क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमने किया है, सीरियल से हमें क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द पल्सेज, वी गेट मिनरल्स एंड द विटामिंस फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ये आपको इसका आंसर करना है, पिछले उसमें आपका जो भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कंडीशंस में उगते हैं। हम हर तरह की क्रॉप्स को एक एनवायरमेंट में, क्या हम सपोज इन द नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर हम सभी तरह की जो प्लांट्स हैं, लाइक यहाँ पे केसर नहीं उगता, केसर हमारा हिली एरिया में उगता है, तो कुछ जो प्लांट्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं, कुछ किसी दूसरे ठंडे एरिया में उगते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए एक डिफरेंट, हर प्लांट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, और वाटर रिक्वायरमेंट है, बेसिक है यहाँ पे टेम्परेचर या सनलाइट कह सकते हैं। प्लांट्स क्योंकि अलग अलग सनलाइट के हिसाब से अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जहाँ पे जिस प्लांट की जैसी रिक्वायरमेंट है वो उसी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करता है। तो ये इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी है कि सभी क्रॉप्स को एक सीजन में नहीं उगा सकते, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो जून से अक्टूबर के महीने में हम उगाते हैं, जून से अक्टूबर के महीने में ये खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ सीजन में होता है इसमें, जून से अक्टूबर के बीच में, और यहाँ पर हम
आपकी जैसे कि पैडी को उगाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, ये उगाते हैं, और कुछ हैं जो विंटर सीजन में उगाते हैं, उन्हें रबी सीजन की क्रॉप्स बोलते हैं, वो आपकी नवंबर से अप्रैल तक में उगती हैं। तो हमें यहाँ पर जो क्रॉप्स भी सीजनल हैं, जो क्रॉप्स हम गर्मी के सीजन में या समर सीजन में उगाते हैं दे आर खरीफ क्रॉप्स, एंड द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन दे आर रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर हमारी जो पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स, ये आपको नाम याद करने सारे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसिड आर रबी क्रॉप्स। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे क्रॉप्स के बारे में, कि कुछ जनरल सा हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, अभी हम मेन टॉपिक्स पे नहीं पहुँचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मेन टॉपिक करेंगे।